अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफएसआईटी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर जिले कांग्रेस के नए सदर कौन होंगे? तेलंगाना कांग्रेस सदर की तब्दीली हुई है। अब अजलाओं में डीसीसी सुदूरों की तब्दीली होने की बात बताई जा रही है। मौजूदा सदर मधुसूदन रेड्डी हैं, जो देवाकद्रा रुकन असेंबली भी बन चुके हैं। ऐसे में महबूब नगर में नए जिले सदर कांग्रेस की तब्दीली किए जाने की बात बताई जा रही है। सदर जिले कांग्रेस बनने के चार अहम दावेदार हैं, जिनमें सिराज कादरी, एनपी वेंकटेश एडवोकेट, विनोद कुमार एडवोकेट, संजीव मोदीराज, जिनमें से किसी एक को जिले सदर कांग्रेस मुंतखब करने की बात बताई जा रही है। जबकि सिराज कादरी अखिलियती कायद हैं और पार्टी में कई सालों से खदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि एनपी वेंकटेश एक सीनियर सियासी कायद हैं और तमाम तबकात के अवाम के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। विनोद कुमार एडवोकेट कांग्रेस पार्टी में एक अहम कायद हैं। जब कांग्रेस पार्टी इख्तदार में नहीं थी, उन्होंने इख्तदार वाली बीआरएस पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे और बीआरएस पार्टी के नाकामियों को अवाम के सामने पेश करते थे। जबकि संदीप मोदीराज भी कांग्रेस के एक सीनियर कायद हैं और हाल ही में रुकन असेंबली इंतखाबात में टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जबकि पार्टी से टिकट ना मिल सकी। ऐसे में पार्टी आला ओहदा देकर उनके साथ इंसाफ करने की बात बताई जा रही है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।